डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलिजिबल कोर्सेज के बारे में। तो आईसीए कोर्स के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलिजिबल कोर्सेज। तो फर्स्ट आता है कौन सा शेड्यूल आपका एलिजिबल कोर्स में होता है। नंबर वन जो होते हैं आपका ट्रिप शेड्यूल, ट्रिप शेड्यूल जो कि हम लोग आईसीएफ में बोले थे आपका ट्रिप शेड्यूल, लेकिन यहाँ पर जो है इस शेड्यूल को आपको D1 शेड्यूल बोला जाता है। तो ये जानते हैं हम लोग आफ्टर एवरी ट्रिप आपका D1 शेड्यूल होता है। नेक्स्ट होता है आपका मंथली शेड्यूल। मंथली शेड्यूल मीन्स आपका जो है 30 ± आपको 3 डेज आपको टॉलरेंस दिया गया है। तो मंथली शेड्यूल इसको बोला जाता है आपको D2 शेड्यूल, एलएचबी कोर्स के लिए D2 शेड्यूल, और आईसीएफ के लिए हम लोग बोले थे ए शेड्यूल, जिसमें आपको जो है 30 ± आपको 3 डेज आपको दिया जाता है। ये 3 दिन पहले, ये 3 दिन बाद में जो शेड्यूल है ये आपका टॉलरेंस दिया गया है, ये डिपेंड करते हैं आपको कोर्स का कंडीशन का ऊपर। नेक्स्ट एक शेड्यूल और होते हैं आपका, जिसका नाम है आपका D3 शेड्यूल। देखिए आईसीएफ में हम लोग बोले थे आपका बी शेड्यूल जो कि क्वार्टरली शेड्यूल, लेकिन यहाँ पर जो है आपका हाफ ईयरली शेड्यूल होते हैं आपका D3 शेड्यूल, दैट इज 6 मंथ ± आपको 15 डेज आपको रखा गया है। ये 3 शेड्यूल जो होते हैं आपको D1, D2 एंड D3 शेड्यूल, इसको बोलते हैं आपका जो है डिविजनल जो शेड्यूल हम लोग करते हैं डिपो में, जो शेड्यूल करते हैं एलएचबी कोर्स का, उसी का बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसके अलावा आपका सब शेड्यूल 1, सब शेड्यूल 2, सब शेड्यूल 3 होता है, जिसमें हम लोग आईओएस बोलते हैं सब शेड्यूल 1 को, वो होता है आपको 18 मंथ का प्लस आपको 30 डेज एक्स्ट्रा दिया गया है, और 6 लाख किलोमीटर आपका हुई सेवर इज अर्लियर, जो पहले होता है उसी के अनुसार। जनरली आपका जो है मंथली जो है आपका, दैट इज आपको 1.5 ईयर, दैट इज आपको 18 मंथ का जो रखा गया है, यही आपका होता है। नेक्स्ट होता है आपका सब शेड्यूल 2। सब शेड्यूल 2 में आपको आईसीएफ के लिए हम लोग बोले थे जिसको पीओएस, इसको भी सब शेड्यूल 2 बोला जाता है एलएचबी में। इसका शेड्यूल होता है आपको 3 इयर्स और 12 लाख किलोमीटर हुई सेवर इज अर्लियर, दैट इज 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स मैंने 2 POs का बीच में जो गैपिंग होंगे वो हो जाएगा आपका 3 इयर्स का गैपिंग। एक और शेड्यूल होते हैं जिसका नाम है आपका सॉफ शेड्यूल 3, जो कि SS3 बोला जाता है, ये 6 इयर्स का बाद आपको हो जाता होता है एलएचबी कोर्स में। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका शेड्यूल ट्रिप शेड्यूल के बारे में, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं D1 शेड्यूल। तो ये होता है आपका एवरी ट्रिप, मतलब गाड़ी जो है आपका प्राइमरी डिपो से जो सेकेंडरी डिपो में होता है, सेकेंडरी डिपो से जो प्राइमरी डिपो आ जाते हैं, तो इसका भी एक रूट किलोमीटर रखा गया है। इसके लिए हम अलग वीडियो आपको देंगे कितना किलोमीटर का बाद क्या क्या आपको चेकिंग करना है। तो ये हो गया आपका जो है आपका आफ्टर एवरी ट्रिप में। तो एवरी ट्रिप में हम लोग देखेंगे आपका पार्ट वाइज जो क्या क्या कौन सा पार्ट्स को आपको देखना है, क्या क्या आपको देखना है। यहाँ देखिए बोगी फ्रेम एंड बोस्टर असेंबली में हम लोग काम करेंगे, परफॉर्म एंड विजुअल चेकिंग ऑन लॉन्गिट्यूडनल बीम। यहाँ हम लोग देखेंगे आपका बोगी का फ्रेम में लॉन्गिट्यूडनल बीम, हम लोग जानते हैं 2 आपका साइड फ्रेम है और 2 जो है आपका क्रॉस बीम है, तो इसको जो है हम लोग देखेंगे कोई क्रैक तो नहीं डेवलप किया है, ये जो है आपका जो वेल्डिंग है वो सब ठीक है कि नहीं है, इसको हम लोग थोड़ी चेक करेंगे। इसके अलावा आपका जो ब्रेक इक्विपमेंट्स है, जैसे इस आपको ब्रेक सपोर्ट है, जो ब्रेक हेल्पर यूनिट है, इसमें जो आपको सपोर्टिंग जैसे आपको जहाँ वेल्डिंग किया है तो इसको हम लोग देखेंगे, ब्रैकेट आपको ठीक से आपको फिटमेंट है कि नहीं है, डैम्पर को देखेंगे आपको, ट्रैक्शन सेंटर, एंटी रोलबर सपोर्ट, ये सब आपको थोड़ी चेक करेंगे, जो कोई क्रैक तो नहीं है। ये जो है कोई जो ब्रैकेट लगाया जाता है आपको जिसे जहाँ फिट करते हैं, जैसे आपको एंटी रोल बार हम लोग जानते हैं बोस्टर का साथ आप बोगी साइड फ्रेम का साथ आपको कनेक्टेड है, तो ये जो है जहाँ पर आपको कनेक्टेड है वहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग चेक करेंगे, जो कोई क्रैक तो डेवलप नहीं किया है, ये आपका जो वेल्डिंग किया है वो वेल्डिंग आपको ठीक है कि नहीं है, उसको भी आपको थोड़ी चेक करेंगे।
इसके अलावा आपका पूरा अथॉरिटी बोगी को चेक करेंगे जो पॉल्यूशन पॉल्यूशन है कि नहीं है, चेक द बोगी बोस्टर सब असेंबली एंड ब्रैकेट और क्रैक डैमेजेस एंड पॉल्यूशन, मतलब बोगी बोस्टर को थोड़ी चेक करेंगे, इसका जो पार्ट्स है जिस इसका साथ जो जैसे आपको सेफ्टी वायर लूप है उसका आपका पूरा पिन लगा हुआ है कि नहीं है, ये जो लॉक प्लेट है ये मैं आपका जो मेरा सपोर्ट ये दे, इसके अलावा आपका जो सपोर्ट फ्रेम है तो सपोर्ट फ्रेम आपका जहाँ पर आपको फिटेड है आपका क्रॉसबीम का सर तो वहाँ जो है आपको ठीक है कि नहीं, ये सब आपको चेक करेंगे, उसमें कोई पॉल्यूशन है कि नहीं है ये सब थोड़ी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपको ब्रेक इक्विपमेंट, ब्रेक इक्विपमेंट देखिए हम लोग जानते हैं एयर ब्रेकिंग सिस्टम है आपका जो डिस्क ब्रेक है तो उसमें जो इक्विपमेंट है उसमें हम लोग देखेंगे ब्रेक सिलेंडर आपका ठीक से काम कर रहा है नहीं कि, उसका लीवर जो लगा हुआ है आपको ब्रेक कैलिपर यूनिट में इसको जो है आपको ठीक है कि नहीं है, वो फ्रीली चल रहा है कि नहीं है, ये कि कोई क्रैक डेवलप किया कि नहीं है, ये सब देखेंगे। इसके अलावा आपका जैसे पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम जो है उसमें कूल बॉक्स जो है ये पीएबी सिस्टम जो है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है, उसमें टेस्ट करेंगे, उसको भी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपको विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे क्रैक डैमेज और लीकेज फॉर द होस पाइप स्टील पाइप्स एंड नेसेसरी रिपेयर टू बी डन, मतलब आपको पाइप जब चेक करेंगे एयरवे टेस्टिंग पाइप का तो उसमें हम लोग चेक करने का टाइम में देखेंगे आपको कोई लीकेज तो है नहीं, ये जो पाइप आपको थोड़ी क्लीन करने के बाद देखेंगे जो पाइप लाइन आपको ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपको डिस्क ब्रेक को चेक करेंगे, उसमें कोई वायरिंग तो ज़्यादा नहीं हुआ, ये जो है आपका कोई क्रैक ज़्यादा तो नहीं हुआ है, ये सब देखेंगे। रिप जो है उसको चेक करेंगे, बेरिपर एब्सेंस ऑफ द एक्सियल मूवमेंट, उसमें देखेंगे एक्सियल मूवमेंट का मूवमेंट जो है आपको पूरी सॉरी आपका जो डिस्क लगा हुआ है वो डिस्क जो है एक्सियल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम जगह में हम लोग को फिटिंग होने चाहिए, उसको थोड़ी चेक करेंगे। उसका बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यूएसपी सिस्टम, डब्ल्यूएसपी आप लोग जानते हैं जो व्हील एलएचबी में जो है आपका एक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम आपको लगा हुआ है, वो इसमें ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है इसको थोड़ी चेक करेंगे, क्योंकि अगर डब्ल्यूएसपी सिस्टम काम नहीं करेंगे तो आपको जो है ना ब्रेक भी नहीं हो सकता है आपको गाड़ी में, जिसके लिए आपको बहुत सारी आपको प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। इसका अलावा जो डब्ल्यूएसपी सिस्टम में आपको जो ग्राउंडिंग केबिल लगा हुआ है उसको चेक करेंगे, आपको केबिल ठीक है कि नहीं, ये कोई डैमेज हुआ कि नहीं है। इसका बाद आपको जो है ओरिजिन मार्क देखेंगे, उसमें डैमेज है कि नहीं है, चेक द फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूएसपी इक्विपमेंट एंड ऑल्सो वेरीफाई द सिग्नल अराइव्स करेक्टली टू द डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, यह हम लोग चेक करेंगे जो डब्ल्यूएसपी सिस्टम है वो ठीक से सिग्नल दे रहा है कि नहीं, माइक्रोप्रोसेसर से माइक्रोप्रोसेसर को सिग्नल दे रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे जो डब्ल्यूएसपी सिस्टम का जो इक्विपमेंट्स है वो ठीक से सिग्नल दे रहा है कि ये सिग्नल आपको फॉलोअप हो रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे, अगर क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं हो रहा है उसको भी थोड़ी चेक करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन में हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग लगाया जाता है तो उसको ये हो स्प्रिंग हो ये आपका जो या सस्पेंशन सिस्टम हो उसको जो है देखेंगे, उसमें कोई क्रैक डेवलप किया कि नहीं है, या आपको अगर या सस्पेंशन सिस्टम हो तो उसमें डैम्पर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, ये सब देख करेंगे। ये जो है अगर स्प्रिंग होंगे तो हम लोग चेक करेंगे उसमें कोई क्रैक है, ये डैमेज है, ये हाइट फ्री है, आपका ठीक है कि नहीं, इसको थोड़ी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपको चेक द माइनर पैड फॉर क्रैक डैमेज एंड एजिंग, देखिए माइनर पैड जो होते हैं तो उसमें जो है आपका ऐसे विजुअली देखें चेक करेंगे उसमें डैमेज है कि नहीं है, ये जो है ज़्यादा एज तो नहीं हुआ है। इसके अलावा आपका सेफ्टी केबल जो है वो आपको चेक करेंगे जो आपको ठीक है कि नहीं है, इसमें कोई डैमेज तो नहीं है, ये पॉल्यूशन तो नहीं हुआ है, ये क्रैक नहीं डेवलप किया है। इसके अलावा हम लोग क्या चेक करेंगे आपको प्राइमरी सेकेंडरी ईयर डैम्पर का बारे में, प्राइमरी डैम्पर ये सेकेंडरी डैम्पर ये ईयर डैम्पर का ये जो जितना डैम्पर है आपको उसको थोड़ी चेक करेंगे जो इससे कोई लीकेज तो ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है,
ये कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ है, इसका बाद आपको जो है ना चेक ऑल फिटिंग्स आइटम्स लाइक द बोल्ट्स और लूजिंग एंड क्रैक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बोल्ट का कोई लूजिंग लूज हो, ये जो है ना क्रैक डेवलप तो नहीं किया है। इसके अलावा ये विजुअल चेकिंग ऑन रबर एलिमेंट्स फॉर क्रैक एंड एजिंग। देखिए यहाँ पर जो है ना विजुअल चेकिंग हम लोग करेंगे रबर एलिमेंट्स का और क्रैक एंड एजिंग, मतलब को कोई उसका ज़्यादा एज तो नहीं हो गया है, उसको थोड़ी चेक करेंगे। इसका बाद आपका जो है ना बियरिंग का देखेंगे, जो बियरिंग का जो कवर है वो ठीक से आपका बियरिंग का वहाँ से कोई जो है आपका लीकेज तो नहीं हो रहा है। ये जो है आपका हॉट एक्सेल तो नहीं हुआ है। ये बियरिंग का टेम्परेचर चेक करेंगे और गैस का कोई लीकेज है कि नहीं, इसको जो है स्पेशली इसको चेक करना है। नेक्स्ट क्या है आपका व्हील एंड एक्सेल में, व्हील एक्सेल को तो विजुअली आपको चेक करना है कोई क्रैक आपको डेवलप किया नहीं। व्हील का जो प्रोफाइल है उसको थर्डली चेक करेंगे। इसका अलावा आपका देखेंगे आप इसके अलावा डैमेज अदर पार्ट्स अदर डिफेक्ट्स आपको है कि नहीं है। चेक द प्रोफाइल ऑफ द व्हील, व्हील प्रोफाइल के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं। यह पहले जो आप विजुअली देखिए, उसके बाद आपका अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गैस से देखिए जो है ना वहाँ आपका एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं है। इसके अलावा आपका एक्सेल को देखेंगे कॉरोशन है कि नहीं है, अगर कॉरोशन है तो उसको क्लीन करके उसमें जो है आपका पेंटिंग करना होगा। नेक्स्ट है आपको विजुअल चेकिंग ऑफ ऑल फिक्सिंग बोल्ट एंड मिसिंग कॉम्पोनेंट्स, विजुअल चेकिंग ऑफ कंट्रोल आर्म्स फॉर डैमेज क्रैक एंड कॉरोशन। इसके अलावा इंस्पेक्ट द रबर जॉइंट्स फॉर क्रैक एंड डैमेज एक्सेट्रा। कंट्रोल आर्म में जो है हम लोग जानते हैं कंट्रोल आर्म आपका बोगी का साथ आपका व्हील का साथ आपको कनेक्टेड है, तो इसलिए जो है वहाँ पर उसको देखेंगे जो जॉइंटिंग जॉइंट है आपका जहाँ पर बियरिंग को आपको कनेक्ट करते हैं उसको थोड़ी आपको चेक करना है कोई क्रैक है कि नहीं। ये जो है आपका बोल्ट जो लगा हुआ है फिटेड है वो टाइट है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपको एंटी रोल बार, एंटी रोल बार में हम लोग क्या करेंगे विजुअल चेकिंग करेंगे उसमें डैमेज और कॉरोजन का। इसका बाद आपको जितना रबर जॉइंट है उसमें जो है देखेंगे आपको रबर जॉइंट आपको डैमेज तो नहीं है, ये एजिंग के लिए आपको तो कोई डैमेज नहीं है। इसके अलावा इंस्पेक्ट करेंगे आपको ग्रीजिंग, ग्रीज जो दिया गया जाता है उसमें एंटी रोल बार में वहाँ पर देखेंगे वो आपको उजिंग हुआ है कि नहीं, माने बाहर निकल रहा है कि नहीं है, क्योंकि आपको बियरिंग जो आपको डैमेज हो जाते हैं तो आपको कभी कभी जो है आपको ग्रीज जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा जितना फिक्सिंग बोल्ट है तो उसमें जो है देखेंगे अगर लूज है कि नहीं, अगर लूज है तो उसको पेट हम लोग टाइट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का जो ट्रिप शेड्यूल है, ये D1 शेड्यूल है उसी का बारे में हम लोग बात किए हैं। D2 शेड्यूल में देखिए इसको मंथली शेड्यूल बोला जाता है, तो उसमें D1 शेड्यूल में हम लोग जो काम किए हैं उसको तो टोटली करना है। इन एडिशन टू दैट और कुछ एडिशनली काम करना है, जैसे बोगी फ्रेम को जो है हम लोग वाटर जेट द्वारा पूरा थोड़ी जो है क्लीन करेंगे। जैसे हम लोग बोले थे D1 शेड्यूल में हम लोग जो है ना केवल चेक करेंगे, क्योंकि एवरी ट्रिप में होता है तो इसलिए जो है बोगी को उतना क्लीन करने का जरूरत है, लेकिन बट एवरी D2 शेड्यूल थोड़ी जो है आपको वाटर जेट द्वारा बोगी जो है आपको क्लीन करना है, उसको जो है उसका बाद आपको जो है उसको ड्राई करना है। देखना पड़ेगा जो आपका इलेक्ट्रिकल हो ये न्यूमेटिव, ये जो है आपका बियरिंग के अंदर में पानी नहीं घुस जाए। नेक्स्ट क्या है ब्रेक इक्विपमेंट को जो है आपको थोड़ी चेक करना है। ब्रेक इक्विपमेंट में हम लोग जानते हैं जो ब्रेक पैड और डिस्क का बीच में जो गैपिंग है, तो वो गैपिंग हम लोग जानते हैं 1.25 से 1.5 मिलीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उसमें जो है हम लोग को जो है गैप देखना होगा, जो उससे अगर ज़्यादा होगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये कम होगा तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। चेक द वियर एंड वियर ऑफ ब्रेक पैड एंड डिक्स इफ रिक्वायर्ड इट इज़ टू बी रिप्लेस्ड। अगर देखना पड़ेगा आपका जो डिक्स है उसका साथ आपको जो ब्रेक पैड लगते हैं, तो ब्रेक पैड का आपका थिकनेस हम लोग जानते हैं, उसमें वियरिंग जो है स्पेसिफाइड वियरिंग थिकनेस आपको 7 मिलीमीटर द कॉन्डिमिंग साइज, तो उससे आपको कम हो जाएगा तो हम लोग जो है उसमें ब्रेक पैड को चेंज कर देंगे।
यहाँ देखना पड़ेगा आपको, जहाँ जहाँ आपको मूविंग, देखिए ब्रेक गियर में अभी जो है कोई ब्रेक गियर यूनिट में पहले आपको लुब्रिकेशन किया जाता था, माने जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है उसमें लुब्रिकेशन किया जाता था, लेकिन आजकल जो बूस्ट हम लोग यूज़ करते हैं मॉडिफाइड बूस्ट, उसमें जो है लुब्रिकेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, लुब्रिकेशन करना ही नहीं है, क्योंकि लुब्रिकेशन करने से जो है उसमें डस्ट पार्टिकल घुस जाते हैं और आपका जो है मूवमेंट में प्रॉब्लम अराइज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेल बियरिंग इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट, इंस्पेक्ट द आर्थिंग इक्विपमेंट फॉर वियर ऑफ स्लीप असेंबली। हम लोग जानते हैं बियरिंग का जो आर्थिंग किया जाता है, तो आर्थिंग के एल एस बी कोर्स में जो है आपका आर्थिंग इक्विपमेंट रहते हैं, तो उसको जो है देखना पड़ेगा कार्बन बार को ठीक है कि नहीं है, उसमें जो है हम लोग मंथली शेड्यूल में उसको जो है थोड़ी चेक करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डब्ल्यू सी इक्विपमेंट टू बी कैरिड आउट एज पर शेड्यूल गिवन बाय द ओनर, इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर जो होते हैं वो जो है मंथली शेड्यूल में आपको क्या क्या आपको जो है डब्ल्यू सी सिस्टम में आपको चेक करना है, इसका बारे में एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसी का अनुसार जो है आपका डब्ल्यू सी का इक्विपमेंट को हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सेल का, चेक द ट्रेड डायमीटर, ट्रेड डायमीटर को चेक करना है, व्हील का प्रोफाइल जो है उसको चेक करना है, जरूरत पड़ने पर व्हील को जो है रीप्रोफाइलिंग करना है। इसके अलावा आपका पिन और भूसे जितना है उसको जो है आपको क्लीन करके लुब्रिकेट करना है। ये हो गया आपका जो है डी टू शेड्यूल में हम लोग क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा एक और शेड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डी थ्री शेड्यूल, जिसमें हाफ ईयरली आपको जो है इसमें डी थ्री शेड्यूल में आपका हाफ ईयरली हम लोग करते हैं। इसके लिए जो है डी थ्री शेड्यूल जो है इसके लिए 15 डेज आपको अलग से दिया, आप जो टॉलरेंस दिया जाता है तो ये भी जो आपको कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो है डी थ्री शेड्यूल भी आपको जो है डिवीजन में होता है, गाड़ी को लिफ्ट करने का जरूरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डी टू शेड्यूल में आप जो काम किए हैं उसको तो टोटली आपको करना ही पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट देखिए और कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे बोगी फ्रेम में देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कोरोजन, ये डैमेज अगर होता है इसमें कोई क्रिटिकल लोकेशन में बोगी का, उसको क्लीन करने का बाद तो देखना पड़ेगा कॉरोशन कहाँ कहाँ का डैमेज हुआ है, कॉरोशन हुआ है उसको जो है हम लोग फर्स्ट जो है आपको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको जो है आपका नेसेसरी रिपेयर करके उसमें जो है एपॉक्सी प्राइमर देके हम लोग पेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पेंटिंग का स्पेसिफिकेशन भी आपको दिया गया है कौन सा पेंट हम लोग को यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपको चेक द व्हील ऑफसेट ऑन एक्सेल, तो व्हील को आपका हम लोग जानते हैं दो व्हील का जो बीच में जो गैपिंग है वो 1600 मिलीमीटर प्लस वन और माइनस वन मिलीमीटर यहाँ रखा गया है, तो इसी का बीच में आपको होनी चाहिए। अगर जो है वो नहीं है तो आपको व्हील को जो है आपको डिसमेंटलिंग करना होगा, ये नया व्हील आपको चेंज करना होगा, माने नया व्हील सेट को चेंज करना होगा। एक्सेल को भी चेक करना है आपको, उसमें कोई कॉरोशन ये कोई क्रैक डेवलप्ड है कि नहीं है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट करना होगा हमको व्हील को, जो अगर मान लिया जाए कोई क्रैक डेवलप किया है तो ये जो है आपका उसमें जो है डीपीटी टेस्ट करके हम लोग चेक करेंगे। इसमें इसके लिए जो है आरडीएसओ जो है एक लेटर दिया गया है आपका, जो कि 2011 में 3/11/2011 को आपको एक लेटर दिया गया है, उसी का अनुसार जो है ना डाई पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग को करना है। नेक्स्ट क्या है, रिप्लेस ऑल कार्बन बूसेस ऑन आर्थिंग डिवाइसेस ऑफ एक्सेल बॉक्सेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक साइड में डब्ल्यूएसपी सिस्टम रिपीटेड रहता है बोगी का व्हील में, दूसरा साइड में जो है आर्थिंग इक्विपमेंट लगा रहते हैं, तो उसमें जो है उसमें जो बूस रहते हैं इन साइड में ताकि जो वायर का साथ तो उसमें बूस को जो है रिप्लेस करना है एज पर इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स ये है हम लोग का जो है डी थ्री शेड्यूल में क्या क्या काम होते हैं, डी वन डी टू डी थ्री शेड्यूल में क्या क्या काम होता है आपका डिवीजन में, इसका बारे में एक ओवरऑल जो है आपका डिस्कशन और एलएसबी कोर्सेस। तो होप आप लोग को जो है मालूम हो गया है आपको क्या क्या काम करना है।
तो फास्टली आपको स्पेशली देखना पड़ेगा डी वन शेड्यूल में, उसके बाद डी टू शेड्यूल और डी थ्री शेड्यूल में जो है जो जो काम है उसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।